हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें हम 45 डेज़ का यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स करने लग रहे हैं और इसमें आज आपका डे नंबर 8 है। इससे पहले जो 7 डेज़ की क्लासेस हुई हैं वो आई होप कि आपने देख ली होंगी, एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर के एक बार उनको फटाफट से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई हुई हैं, है ना। तो वो जाकर के एक बार आप फटाफट से देख लेना। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये आपका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर हम कितने मंथ को यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, तो ये आपका जनवरी 2020 से लेकर के आपका पूरा एग्जामिनेशन अगर जनवरी तक जाएगा अभी, तो हम यहाँ पर दिसंबर 2020 तक का पूरा करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी अगस्त का जो करंट अफेयर है, अगस्त 2020, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और अभी हमारा यहाँ पर सितंबर का चल रहा है, ठीक है ना। सितंबर का करंट अफेयर अभी हम कर रहे हैं कवर, और आपका 2-3 दिन में, अगले आने वाले 1-2 दिन में ही आपका ये सितंबर का भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अक्टूबर का कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। अक्टूबर का करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा जो कोरोना का अपना टाइम चला था, ठीक है ना। फिर हम वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वहाँ से बनेंगे, उनको भी कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। और ये चलिए, प्रिपेयर टू विन इस बैच का नाम है। तो प्रिपेयर टू विन 2.0 1.0 जो था वो आपका CXL 2019 वाले एग्जामिनेशन के लिए था। तो ये है आपका डे नंबर 8, एंड अब आपके सामने फटाफट से क्वेश्चंस आने शुरू होंगे सबके। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक करके आंसर्स को देते जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो 15 सितंबर को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ ये हम क्यों बनाते हैं, किसको हम याद करने के लिए, फिर किनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको यहाँ पर हम अप्रिशिएट करने के लिए इस डे को मना रहे होते हैं, तो आपको पता होगा इंडिया के जो सबसे पहले इंजीनियर हैं उनका नाम क्या है। तो मोक्षगुंडम, जो इंडिया के सबसे पहले इंजीनियर हैं उनका नाम क्या है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, ये इनका नाम है। और इनको ही हम यहाँ पर क्या है याद करने के लिए, इनके जो वर्क्स वगैरह हैं उनको याद करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एवरी ईयर यहाँ पर हम इंजीनियर्स डे मना रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर मैं आपसे बात करूँ पैदा कब हुए थे, तो ये पैदा हुए थे 5 सितंबर को, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ 15 सितंबर को, ठीक है ना, आपका 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो 15 सितंबर, और ये 1861 में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ना कर्नाटका में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे, कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट सीएम लॉन्चेस माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल COVID-19। यहाँ पर कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन को लॉन्च, जिससे कि जो COVID-19 है उसको टैकल किया जा सके, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है इसको, तो ये किया है चलिए, तो ये किया है आपका महाराष्ट्र के सीएम ने इसको लॉन्च। और अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो ये है उद्धव ठाकरे, ठीक है ना। कौन है महाराष्ट्र के सीएम है, तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। ऑलराइट, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, कि जो अगर मैं आपसे बात करूँ कि महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तब तक मैं अगले वाले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच मूवी वन बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड इन 77th वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ पर कौन सी मूवी ने जो है बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता हुआ है, जो आपका 77th वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। तो देखो ये कौन सी मूवी ने जीता है, ये जीता है द डिसिपल मूवी ने, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ द डिसिपल मूवी रिटन और डायरेक्टेड किसके द्वारा है, तो ये की गई है चैतन्य तम्हाने के द्वारा, ठीक है ना। चैतन्य तम्हाने। अच्छा, ये कौन है, तो ये मूवी अगर मैं आपसे बात करूँ ये मूवी कौन सी है, तो ये मूवी ना एक मराठी मूवी है। तो ऑफ कोर्स अपने लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है, क्योंकि इंडिया की कोई मूवी है जिससे जाकर के एक वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया जाता है, तो अपने लिए ऑफ कोर्स ये वाली मूवी इंपॉर्टेंट
है, ठीक है ना। और इसने यहाँ पर दो अवार्ड जीते हैं, अगर मैं बात करता हूँ अब का जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, और ये इसके प्रोड्यूसर कौन है इस मूवी के, तो ये हैं विवेक गोम्बर, ठीक है ना। विवेक गोम्बर क्या है इस मूवी के, अगर मैं बात करूँ तो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा अपने सामने, हु इज़ गोइंग टू सक्सीड शिंजो आबे एज जापान्स पीएम। तो यहाँ पर आपको पता है भाई जापान के पीएम चेंज हो गए हैं, पहले शिंजो आबे थे, अब ये नहीं है। तो एज ऑफ नाउ जो जापान के पीएम है वो कौन है, फटाफट से बताना है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ जापान की, तो जापान में अभी रिसेंटली पीएम कौन है, तो ये है योशी हिदे सुगा, ठीक है ना। योशी हिदे सुगा कौन है, जापान के अब पीएम बन चुके हैं। और इससे पहले ये क्या थे, तो इससे पहले यहाँ के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे, ठीक है ना। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, तो इससे पहले जो है ये इंद्रपाल वर्मा का सी आ गया है, वेरी गुड। एक बार मैं ज़रा यहाँ से आपके चैट्स को हटा देता हूँ स्क्रीन से, सो दैट मैं सामने आपके जो भी आंसर्स आएंगे उनको देख पाऊँगा, है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन री इलेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है ना, यानी कि पहले भी थे और अभी भी वही हैं। तो आपको बताना है राज्यसभा के डेप्टी चेयरमैन कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, हर्षवर्धन, वाईएस रेड्डी या फिर हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। तो बताओ भाई फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है ना। हरिवंश नारायण सिंह को क्या किया गया है, री इलेक्ट कर दिया गया है एज द डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना। इंद्रपाल का आंसर भी डी आ गया है, वेरी गुड। अक्षय वर्मा एसएससी सीएचएसएल रॉ स्कोर 130, ओबीसी एनी चांस। हाँ 130 पे थोड़ा बहुत चांस है, बट स्टिल आप उसी एज पे आके खड़े हो, तो अगर आपका टीयर टू में अच्छे मार्क्स आते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं आपका कैसा क्या नॉर्मलाइजेशन होता है, शिफ्ट पे डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट कौन सी, एक बार बताना, ठीक है। खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन डिज़ाइन। यहाँ पर ये जो बुक है आपकी माई लाइफ इन डिज़ाइन, इसके ऑथर कौन है, फटाफट से बताइए। माई लाइफ इन डिज़ाइन इस बुक के ऑथर कौन है, बताओ भाई जल्दी से। और अगर मैं बात करूं इनका, तो आपको मैं एक हिंट देता हूं। यहाँ पर ये जो हैं शाहरुख खान की वाइफ हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है माय लाइफ इन डिज़ाइन। आपको पता होगा ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर, और जो मन्नत है उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने इसको, ओके प्रोशांता का सी 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 आ रहा है, इंद्रपाल का गौरी खान, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौरी खान हो जाएगा, ठीक है। तो गौरी खान जो कि शाहरुख खान की वाइफ भी हैं, इन्होंने इस बुक में क्या लिखा है, उनकी जो जर्नी है एज अ डिज़ाइनर वो इस बुक में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। 14 अक्टूबर की आपकी शिफ्ट है, हाँ ओके इसमें आपका, बट वही है कि एज पे रहेगा, ठीक है। फिलहाल ये आपका क्वेश्चन है, ई संजीवनी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार बाई हाउ मैनी स्टेट्स। यहाँ पर जो ई संजीवनी है ये यहाँ पर कितने स्टेट्स में आप की इम्प्लीमेंट की जा चुकी है, फटाफट से बताओ भाई कितने स्टेट्स में। एक ये ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक क्या किया जाएगा, टेली कंसल्टेशंस दिए जाएंगे। तो ये जो ई संजीवनी है अभी तक कितने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, 15, 18, 20 या फिर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 23। अभी तक कितने स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, तो 23 स्टेट्स में किया जा चुका है ना। ध्यान में रखना, अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ फिर मैं। देखो अगले वाला क्वेश्चन ये रहा आपका, अमेजॉन साइंड होम फॉर इट्स अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट। यहाँ पर अमेजॉन ने किसको साइन किया है जो कि अब अलेक्सा के वॉइस असिस्टेंट बन गए हैं, ठीक है ना। आपने अभी एड भी देखे होंगे कई सारे, उसमें इनकी वॉइस अलेक्सा में जो है इनकी वॉइस आई है इंडिया में, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, MS धोनी या फिर कैटरीना कैफ, किसकी आवाज़ जो है अब अलेक्सा में आपकी साइन कर ली गई है, बताइए फटाफट से। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन है, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन की जो वॉइस है वो यहाँ पर अमेजोन ने उसके उसको साइन कर लिया है कि अब उनका जो अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है उसमें अमिताभ बच्चन की वॉइस अब यूज़ कर पाएंगे जो यूज़र्स हैं। ओके प्रशांता का डी आ रहा है, कैटरीना कैफ थोड़ी होगा। ओके इंद्रपाल का बी आ गया है, वेरी गुड। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट लॉन्च्ड बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अंडर CAPEX स्कीम। यहाँ पर कौन से स्टेट ने लॉन्च किया हुआ है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम, एक स्कीम है आपकी CAPEX इसके अंतर्गत, है ना। फिर मैं आपको एक दो बातें और बताता हूँ, पहले आप ये बताइए कौन से स्टेट में किया गया है ना, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गोवा या फिर कर्नाटका।
अच्छा ये अगर मैं आपसे बात करूँ, ये स्कीम ना पंचायती लेवल पर है आपकी। कौन से लेवल पर है? पंचायती लेवल पर आपकी ये स्कीम क्या है लागू की गई है, जिसमें कि होगा क्या, जो भी फार्मर्स वगैरह हैं उनको 90% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना, जो फ्रूट प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, है ना। प्रोशांता का आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, हु इज़ नाउ पेटीएम फर्स्ट गेम्स ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पर जो पेटीएम का फर्स्ट गेम है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताओ। और ये अगेन आपका फैंटेसी क्रिकेट ही है, ठीक है ना। फैंटेसी अगर मैं बात करूँ, एक ये पेटीएम का फर्स्ट गेम्स आपका क्या है, इसका एक ब्रांड है इनकी अलग से, जिसमें कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर खेला जाएगा। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोशांता का ए आ रहा है, सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड। तो सचिन तेंदुलकर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हु रोप्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर बाई एडिटेक मेजर ग्रेट लर्निंग। यहाँ पर एक आपका जो एडिटेक मेजर ग्रेट लर्निंग है उसके ब्रांड एम्बेसडर एज ऑफ नाउ कौन बन गया है ना, बताइए जल्दी से। तो ये जो ग्रेट लर्निंग है ये एक बहुत ही बड़ी आपकी एजु कंपनी है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो। फटाफट से बताइए इन्होंने किसको अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, MS धोनी, युवराज सिंह, इरफान पठान या फिर विराट कोहली? ठीक है, तो प्रोशांता का एंड इंद्रपाल दोनों का ही आंसर डी आ गया है, वेरी गुड। तो विराट कोहली को यहाँ पर क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने, थॉमस एंड ओबर कप फाइनल्स पोस्टपोन टू 2021 बाई विच बोर्ड या फिर फेडरेशन। तो आपको यहाँ पर एक तरीके से ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका थॉमस कप है या फिर ओबर कप है ये कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में घुमा के पूछा भी जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि थॉमस कप हो गया या फिर आपका जो ओबर कप हो गया, ये आपके जो कप्स हैं ना ये कौन से गेम से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये गेम पता होगा तो आपको यहाँ पर आप गिवन ऑप्शंस में भी सही आंसर टिक कर पाओगे, है ना। कौन से बोर्ड या फेडरेशन ने इसको पोस्टपोन कर दिया है कि भाई ये कब होगा, 2021 में होगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ ये पहले कब होने वाला था, तो ये पहले 3 to 11 अक्टूबर में शेड्यूल्ड था 2020 में, है ना, कहाँ पर, डेनमार्क में, ठीक है ना, डेनमार्क में ये आपका पहले शेड्यूल्ड था। ओके, इंद्रपाल का आंसर आ गया है सी। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका BWF होगा, ठीक है ना। अच्छा, BWF क्या होता है, आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, क्योंकि आपका जो NTPC का एग्जामिनेशन है उन्होंने एब्रीविएशंस को अलग से लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, ठीक है ना। तो जितने भी आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन आए, जितने भी बोर्ड आए, फेडरेशन आए, करंट अफेयर्स है, आपको सारे के सारे बिल्कुल याद करके रखने हैं। अगर मैं अपने साथ में हमेशा पेपर पेन लेके बैठो, जो भी चीज़ें बताता हूँ उसको एक बार हाथ के नीचे से निकाल लिया करो, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो अब दो चार चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई कि थॉमस कप के किस गेम से रिलेटेड है। तो आपका ये बैडमिंटन से, अगेन ओबर कप भी इसी से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, BWF होता है, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हु कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई यूरो मनी 2020। यहाँ पर आपका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है यूरो मनी 2020 के द्वारा, वो किसको दिया गया है, अन्ना हजारे, रतन टाटा, आदित्य पुरी या फिर नन ऑफ दीज? ये क्वेश्चन आपका एक और सेंस में भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार मुझे इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ एक और आपका अदर सेंस में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, है ना। बताइए भाई फटाफट से, और सेशंस को जो है आप लोग शेयर करते रहा करो, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को और भी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आदित्य बी नहीं होगा इसका, ठीक है ना। आदित्य पुरी इसका राइट आंसर होगा। और आदित्य पुरी कौन है, ठीक है ना, तो आदित्य पुरी है मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि ये MD हैं। कौन से बैंक के हैं, तो ये HDFC बैंक के MD हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अब करंट का न्यूज़ में आ गए, है ना, तो क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि HDFC बैंक के MD कौन है, ठीक है ना। तो ये आपका उठा करंट से, लेकिन आप फिर पूछते हो कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से उठ करके क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आदित्य पुरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, MD कौन से किस बैंक के हैं, HDFC बैंक के, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन कॉल्ड सेहत एवं पोषण साथी सथिनवास टू इंश्योर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज गेट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड रेगुलर इम्यूनाइजेशन डोजेस। हिंदी में एक बार मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ, जो आपकी कौन से राज्य या फिर आपका जो यूटी है उसकी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी एक हेल्पलाइन, जिसका नाम है सेहत एवं पोषण साथिनवास।
इसमें होगा क्या, जो आपके 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है यानी कि उनके पोषण के लिए जो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या फिर उनका जो इम्यूनाइजेशन है ना, उनका जो भी उनको जिससे शक्ति मिलेगी, वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स या फिर उन्हें खाने पीने की पोषण की चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। तो कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? एंड प्रशांत का आंसर डी आ रहा है, तमिलनाडु। तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ये सेहत एवं पोषण देख करके आपको हो सकता है तमिलनाडु लग रहा हो, बट यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली होगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। बाकी सारी की सारी बातें मैंने आपको बता ही दी इसके रिलेटेड। ओके, इंद्रपाल का करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हु चेयर्ड इब्सा फॉरेन मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। यहाँ पर जो इब्सा फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग है उसको चेयर किसने किया? अच्छा, अभी इब्सा दिखा है ना, इसमें आपको इब्सा का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट करके बताना है कि इब्सा का फुल फॉर्म होता क्या है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि इब्सा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इब्सा का मतलब होता है आपका ईरान। देखो आई से होता है आपका ईरान, ठीक है, आई से होता है आपका ईरान, नहीं आई से आपका इंडिया होता है, ठीक है ना। फिर आपका बी से होता है ब्राज़ील, इसके बाद में ऐसे से आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो ये तीन देशों के यहाँ पर नाम है। तो इन तीनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग थी उसमें इंडिया की तरफ से किसने चेयर किया, इसको चेयर किसने किया है ना। तो अब बताओ जरा यहाँ पे अपने स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल, अमित शाह या फिर एस जयशंकर, आप यहाँ पे ना तुक्का भी लगा सकते हो अपना, अगर एक बार थोड़ा सा माइंड आप यहाँ पर लगाओगे तो, है ना। तो इंद्रपाल का आंसर आ गया है डी, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस जयशंकर, जो कि हमारे क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ठीक है। और आपकी बात किसी की जा रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स की। यहाँ पर आपने देखा भाई, स्मृति ईरानी नहीं हो सकता, पोखरियाल जी नहीं हो सकते हैं क्योंकि HRD के हैं, अमित शाह नहीं हो सकते, होम मिनिस्ट्री के हैं। तो अगर एक्सटर्नल मिनिस्टर्स की या फिर फॉरेन मिनिस्टर की बात की जा रही है तो उसमें कौन जाएगा भाई, एक्सटर्नल मिनिस्टर जाएंगे अपने, है ना। तो अपना यहाँ पर एस जयशंकर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑर्गेनाइजेशन टाइड अप विद स्विस रैपिड एजी टू ब्रिंग मैगलेव ट्रेन्स टू इंडिया। यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्विस रैपिड एजी है उसके साथ टाई अप किया है जिससे कि जो मैगलेव ट्रेन्स हैं वो इंडिया में आ सकें, है ना। और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो सभी कुछ अच्छे से करके जाना है। नितिन का आंसर आ गया है एस जयशंकर, वेरी गुड। चलिए ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्विस रैपिड एजी है उसको उसने क्या किया है, मैगलेव ट्रेन्स को इंडिया में लाने के लिए टाई अप किया है। थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है। सो इंद्रपाल वर्मा का आंसर आ रहा है डी, इंडियन रेलवेज। तो यहाँ पर ना इंडियन रेलवेज आपका आंसर नहीं है, यही तो बात है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भेल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, भेल होगा। अच्छा, भेल से मुझे एक बात बताओ जरा, भेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग दोगे, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ ये, क्योंकि ये सब पता होना चाहिए। भेल तो छोटी सी चीज़ है, इसका फुल फॉर्म तो एटलीस्ट बता दो, ठीक है, भेल का फुल फॉर्म बताओ। तब तक मैं अगले क्वेश्चन में आ रहा हूँ, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इज टू बी हेल्ड एट कोची। तो कोची में कौन सा ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल होने वाला है, यानी कौन सा एडिशन इसका होने वाला है, है ना। और इसको आप GAF भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, GAF 2020। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि GAF 2020 आपका कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, ये आपका कोची में हुआ है, ठीक है ना। चलिए बताइए तो इस बार का एडिशन कौन सा था, है ना। और इस बार इसकी आपको थीम भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा से रिलेटेड चीज़ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दूसरी ग्लोबल है। और ये हुई कहाँ पर है, इंडिया में हुई है, कोची, केरला में। ओके, इंद्रपाल का आंसर आ रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और नितिन, शाबाश, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंद्रपाल का आंसर 4 आ रहा है, तो 4th एडिशन, वेरी गुड। तो आपका इस बार का कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था ये, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी थीम क्या थी, तो थीम आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी, एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी, ठीक है ना। तो इंडिया से रिलेटेड जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे कि इंडिया का कहीं ना नाम हो रहा है या फिर इंडिया पहली बार करवा रहा है, ग्लोबली इंडिया को एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो सारे की सही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और NTPC में तो आपका सिलेबस में अलग से दिया हुआ है कि अगर कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस वाली बात आती है तो वो आपको करंट अफेयर में करके जानी है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ये रहा आपके सामने, हु बिकेम ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9Stakes ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पर एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9Stakes नाम का, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा, नीतीश राणा, कुलदीप यादव या फिर सुरेश रैना, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
चलो भाई फटाफट से बताओ। अच्छा इसकी मैं एक हिंट देता हूँ, यहाँ पर ये जो प्लेयर है ना, ये एक तो सीएसके टीम के प्लेयर हैं, दूसरी बात ये है कि अब सीएसके ने इनको क्या है, ये पहले इन्होंने क्विट कर दिया कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, फिर सीएसके ने इनको अब अपनी टीम से भी हटा दिया है, ठीक है। तो एटलीस्ट अब तो बता दो, ठीक है ना, इंद्रपाल वर्मा का ए आ रहा है, अब थोड़ा सा विचार करो, मैंने जो हिंट दिया उसके ऊपर, है ना, बताओ जल्दी से। ओके नितिन का आंसर सुरेश रैना आ गया, इंद्रपाल का भी सुरेश रैना, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश रैना हो जाएगा, है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, विच एयरपोर्ट अवार्डेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5-स्टार एंटी कोविड अवार्ड, यहाँ पर कौन से एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे पहला 5-स्टार एंटी कोविड अवार्ड मिला है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या कि जो भी ये एयरपोर्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कोविड 19 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रिकॉशन लिया गया। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फ्यूमी सिनो एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, यूएई एयरपोर्ट या फिर मलेशिया एयरपोर्ट। तो देखो कोविड 19 से ना जो भी करंट अफेयर है मैं बहुत ही सिलेक्टेड लेके आऊँगा, क्योंकि कोविड 19 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, ठीक है ना, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं बने। अभी आप चाहे जेई का एग्जामिनेशन हुआ है वो देख लो, डीडीए का एग्जामिनेशन हुआ है वो देख लो, एसएससी जेई का हुआ है आपका, देन आपका सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है वो देख लो, चाहे आप राजस्थान में जो एग्जामिनेशन हुए हैं वहाँ के देख लो, मैंने जितने भी एनालिसिस कराए हैं अभी तक और जो रिसेंटली चल भी रहे हैं एयरफोर्स का हुआ है उसमें भी देख लो, तो कोविड 19 से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना सर्टेनिटी है ही नहीं, क्वेश्चंस इसमें बन नहीं सकते ज़्यादा, इसमें मार्जिन ही नहीं है बनने का, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे तो, ठीक है। इंद्रपाल का आंसर बी आ रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है, दिल्ली इंडिया का तो है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूमी सिनो एयरपोर्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली नहीं है, ठीक है, फ्यूमी सिनो एयरपोर्ट होगा। और ये कहाँ का है, तो ये है आपका रोम का, ठीक है ना, कहाँ का है ये आपका रोम, यानी रोम कहाँ पर है, इटली में, तो रोम इटली का ये आपका एयरपोर्ट है, ठीक है ना। और हाँ एक बात और, यहाँ पर ये जो नाम है ना ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि एक्चुअली मैं पोर्ट और एयरपोर्ट आपके रेलवेज़ के एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है, और ये जो फ्यूमी सिनो एयरपोर्ट है ना इसको एक नाम से और जानते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट भी हम इसको बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, और इसको एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ उनका या तो स्क्रीनशॉट लेके रखो अच्छे से या फिर उन्हें नोट डाउन कर लिया करो। तो लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट भी इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड फर्स्ट इंडिजीनियस सिग्नल सिस्टम, यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने पहला इंडिजीनियस सिग्नल सिस्टम बनाया है। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, यानी कि हमने देश के अंदर ही उसको बनाया हुआ है, यानी कि पूरा देसी है वो, ठीक है ना, तो पहला देसी सिग्नल सिस्टम किसने बनाया है ऐसे समझ लो, ठीक है ना। इससे पहले तक जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम थे ना वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फॉरेन से ही आ रहे थे, और ये पहला बना है इंडिया में, इंडियन रेलवेज, दिल्ली मेट्रो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या फिर नन ऑफ दीज, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताओ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिग्नलिंग सिस्टम, इसका नाम अगर मैं बात करूं तो नाम क्या है, तो IATS, ठीक है ना, ये इसका नाम है। अब इसे बनाया किसने है और लॉन्च किसने किया है ना, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है। तो इसे लॉन्च किया है DMRC ने, ठीक है ना, जो दिल्ली मेट्रो सर्विसेज हैं, इंद्रपाल का सी आ रहा है, सी नहीं होगा, ठीक है ना, दिल्ली मेट्रो ने इसको लॉन्च किया है, जो आपका DMRC है, ठीक है ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है, तो इसने इसको लॉन्च किया हुआ है। अच्छा ये जो ATS है ना, ATS का फुल फॉर्म मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ऑटोमेटिक ट्रेन और फिर आपका SA होता है सुपरविजन, ठीक है ना, तो ATS क्या हो गया, ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन हो गया। वेट अ सेकेंड, ऑल राइट, आज आपका डे नंबर 8 है, थोड़ी सी आई थिंक थोड़ा आपका ऑल राइट चलिए, तो ये आपका हो गया दिल्ली मेट्रो हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर 2020, यहाँ पर जो आपका ओजोन लेयर 2020 का प्रिजर्वेशन डे है आपका, इस बार की थीम क्या थी, ठीक है ना आपका, और ये मनाया कब जाता है एवरी ईयर ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हर साल 16 सितंबर यानी कि 16th of September को आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार की थीम क्या रही है। अब देखो ओजोन से रिलेटेड बात है ना, और उसमें आपका NTPC के सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ओजोन वगैरह जितने भी आपके दुनिया को कंसर्न करने वाली चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, उसको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, इसकी आप थीम करो, डे करो, सबकी सारी की सारी चीज़ें अच्छे से करके जानी है। तो देखो क्या इसका आंसर होगा, केयरिंग फॉर ऑल लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है,
इंद्रपाल का आंसर आ गया है डी। ऑल राइट, तो देखो इसका आंसर ना डी नहीं है, हीलिंग ओजोन नहीं है, वो तो आपका वर्ल्ड ओजोन डे है। देखो ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 2020 है। दोनों डेज के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो समझो, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, वो था आपका वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, जिसमें आप हीलिंग वाला बता रहे हो। ऑल राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओजोन फॉर लाइफ होगा। क्या होगा, ओजोन फॉर लाइफ, नितिन का करेक्ट आंसर आया है, वेरी गुड। तो क्या हुआ इसका आंसर आपका, ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, बढ़िया, क्लियर हुआ। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आर्थिक स्पंदना लोन डिसबर्सल प्रोग्राम। यहाँ पर कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने आर्थिक स्पंदना एक लोन जो है डिसबर्सल प्रोग्राम, देखो डिसबर्सल का मतलब क्या होता है, जो भी लोन लिया हुआ है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ किसानों ने लोन लिया या फिर कुछ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हो गए उन्होंने लोन लिया है, तो उसको माफ़ कर देना है ना, डिसबर्सल उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ये आपका जो प्रोग्राम है आर्थिक स्पंदना, ये लॉन्च किसने किया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने, केरला, ओडिशा, कर्नाटक या फिर असम। क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताओ। तो चलो खैर, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका, ठीक है ना, कर्नाटका के अगर मैं बात करता हूं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, तो कर्नाटका के आपको सीएम का नाम पता होगा, आई होप। तो कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है, ये है अपने बीएस येदियुरप्पा, ठीक है ना, कौन है ये, बीएस येदियुरप्पा है। तो बीएस येदियुरप्पा ने ही इसको क्या किया है, लॉन्च किया हुआ है। नितिन विश्वकर्मा का आंसर आ गया है कर्नाटका, वेरी गुड। तो फिलहाल यहाँ के सीएम कौन है, बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने क्या किया है, ये जो आर्थिक स्पंदना प्रोग्राम, ये जो आपकी एक योजना है, एक प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया है। और ये किसके लोन्स को यहाँ पर माफ़ करने वाले हैं, तो जो भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, जो आपके कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, इनका जो लोन है उसको माफ़ कर देंगे, ठीक है। और इनका कुछ अब क्राइटेरिया है, वो अपना थोड़ा सा अलग है, तो वो उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अमिताभ घोष पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ द विच इंस्टीट्यूशन। तो अमिताभ घोष जो है वो रिसेंटली पास्ड अवे हो गए हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो कौन से किस इंस्टीट्यूशन के गवर्नर रहे हैं सबसे छोटे काल के लिए, है ना, सबसे कम काल के लिए। तो सेबी के, एसबीआई के, आरबीआई के या फिर सिडबी के। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ गया तो बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये तो पता नहीं कहाँ से 20 से उठाए क्वेश्चन दे दिया कि अमिताभ घोष कौन से ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नर थे। तो भैया इसलिए बना है कि वो अभी रिसेंटली पास्ड अवे हो गए, है ना, तो करंट अफेयर को थोड़ा सा समझा भी करो आप लोग। ऑल राइट, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये बस 20 डेज के लिए यहाँ के गवर्नर बने थे, ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑर्गेनाइजेशन वो आपका कौन सा है, अगर गवर्नर की बात की जा रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पे एसबीआई का गवर्नर कोई होता नहीं है, सेबी का गवर्नर होता नहीं है, सिडबी का भी गवर्नर नहीं होता, ओनली आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। हाँ, सिडबी नहीं होगा, आरबीआई होगा, ठीक है ना, चलिए याद रखना इस बात को। अगले बार, अच्छा ये कौन से नंबर के थे, तो ये 16th नंबर के गवर्नर थे, 16th गवर्नर थे। ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई इनके बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑन विच डेट वर्ल्ड बम्बू डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली। यहाँ पर जो वर्ल्ड बैम्बू डे है वो आपका हर साल कौन से दिन मनाया जाता है, कौन से तारीख को, 16 सितंबर, 18, 19 या फिर 20। अच्छा यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर बैम्बू डे क्यों आपने डाल दिया, ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट बैम्बू डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्लोबली इसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया जा रहा है, क्योंकि जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं या फिर एवरीडे प्रोडक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं यही बात करी जा रही है कि जो बैम्बू है उसका और जो आपका जूट है उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाए, जिससे कि जो प्लास्टिक है उसका यूज़ कम हो पाए। तो कहीं ना कहीं ब्रॉड सेंस में बम्बू का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना। तो इसका तो आपको थीम भी पता होनी चाहिए कि इस बार का जो थीम है वर्ल्ड बम्बू डे का वो क्या था, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इंद्रपाल का आंसर आ रहा है 18 सितंबर। ओके, यहां पर जो 18 सितंबर है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ इसकी थीम क्या रही है इस बार की और ये कौन सा एडिशन था ये भी पता रखो इसका। तो आपका ये था 11th एडिशन, ठीक है, इस बार 2020 में थीम क्या थी आपकी, बैम्बू नाउ, ठीक है ना, बैम्बू नाउ। तो ये इस बार की थीम रही है, ठीक है ना, बैम्बू फॉर लाइफ नहीं थी, बैम्बू नाउ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑलराइट, अगला वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, हु वॉज ऑनर्ड विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। यहाँ पर किसको ऑनर किया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 का, बताइए जल्दी से। शेफ विकास खन्ना, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन या फिर एम एस धोनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा और इनको क्यों दिया गया है, ये अवार्ड दिया क्यों गया है, इनका ऐसा कौन सा काम था जो कि इनको ये अवार्ड मिल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेफ विकास खन्ना, ठीक है ना। इनको और ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने कोविड 19 के टाइम पर एक बहुत ही बड़ी ड्राइव चलाई जिसका नाम था फीड इंडिया।
क्या नाम था भाई, फीड इंडिया नाम की ड्राइव चलाई। इसमें क्या था, जितने भी लोगों को खाने वगैरह की खाना वगैरह की सुविधा नहीं हो पा रही थी, उनको यहाँ पर इन्होंने खाना वगैरह प्रोवाइड करवाया। काफ़ी बड़ी एक ये मैसिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव थी। नहीं, अमेजोन ही नहीं है। अच्छा, ये गेम चेंजर का मतलब ये नहीं कि कोई गेम से रिलेटेड पर्सन ही होगा, ठीक है ना। ऑल राइट, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनको अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आप एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। चलो खैर, एशिया गेम्स चेंजर किसको मिला है, शेफ विकास खन्ना को मिला है। क्यों मिला है, फीड इंडिया के लिए, ठीक है। ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। यहाँ पर इंडिया की रैंक कौन सी थी वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, बताइए जल्दी से। 36 थी, या 98, या 109, या फिर 116। तो देखो, इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 116, ठीक है ना। कौन सी रैंक रही है इंडिया की, 116 रही है। और अगर मैं आपसे बात करूं टोटल कंट्रीज़ कितनी थी, तो यहाँ पर 174 कंट्रीज़ में देखा गया। और ये आपका अगर मैं बात करता हूँ, ये एक्चुअली जो आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इसको लॉन्च, इसको मतलब आपका रिलीज़ कौन करता है, तो ये करता है वर्ल्ड बैंक। हाँ, इंद्रपाल का करेक्ट आ गया है, वर्ल्ड बैंक आपका ये इसको रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड रिसेंटली। यहाँ पर कौन से यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है, नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर बादल, नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये तो सबको पता ही होगा, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई गलत आंसर करने वाला है ना। तो मुद्दे की बात यह है कि चलो इन्होंने रिजाइन तो कर दिया। अब मुझे आप एक बात बताओ कि कोई भी यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, किसको अपना रेजिग्नेशन जो है, ये यूनियन मिनिस्टर है कोई, उसको रिजाइन करना है तो वो जाकर के अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा किसको, बताइए जल्दी से। तो इंद्रपाल का आंसर बी आ गया, हरसिमरत कौर बादल, वेरी गुड, जो कि अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर थी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो मुझे ये बताओ, अगर आपका कोई यूनियन मिनिस्टर है, उसको अगर इस्तीफा देना है, तो वो जाकर के अपना इस्तीफा किसको देगा, तो ये देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर इसको इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को नहीं देता है, ठीक है, किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। अब क्या होगा कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर एडवाइस कौन देगा कि भाई आप इसका एक्सेप्ट कर लो रेजिग्नेशन या फिर नहीं करो, तो इनको एडवाइस देते हैं पीएम, ठीक है ना, जो कि हमारे राइट नाउ हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो इन्होंने सजेशन दिया, यानी कि इन्होंने एडवाइस करी, एडवाइस क्या करी, इन्होंने बताया कि चलिए आप ठीक है, इनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनारियो होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है इससे रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं पॉलिटी में क्वेश्चन इस तरीके से बना के दे दिया जाए। तो कभी भी करंट अफेयर पढ़ो तो उसको बहुत ही ब्रॉड सेंस में पढ़ा करो, हर चीज़ों को देखो, हर एंगल को देखा करो, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। खैर, वो तो मैं सारी की सारी चीज़ें करा ही रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप लोग पढ़ लो और उसको लिख के रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच कंट्री ज्वाइंट डिसबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पर कौन सी कंट्री ने जो डिसबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ज्वाइन कर लिया है, चाइना, ईरान, इंडिया, या फिर यूएसए, ठीक है, बताइए। जो आपका डिसबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। और अगर मैं आपसे बात करूँ, इसको ना एक नाम से और जानते हैं, डिसबाउटी कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, और इसको ना जद्दाह अमेंडमेंट भी बोलते हैं, जद्दाह अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट। तो ये है आपका, तो अभी रिसेंटली किसने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इंद्रपाल का आंसर आ गया है सी, वेरी गुड। तो इंडिया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया, और इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर इंडिया ज्वाइन करेगा तभी हम इसको पढ़ेंगे, है ना। और ये बेसिकली अब होता क्या है, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है एज अ ऑब्जर्वर, है ना, इस बात को भी ध्यान में रखो, एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। और ये है क्या, एक्चुअली में जो आपका इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, तो वहाँ पर जो भी रीचेस वगैरह होती हैं उस रीजन का, जो आउटरीच होता है, उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया ने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और एज अ ऑब्जर्वर इसको ज्वाइन किया, और ये इंडियन ओशियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इंडिया टू मीट विच कंट्री इन सार्क वर्चुअल मीटिंग ऑन सेप्टेम्बर 24, 2020। यहाँ पर सेप्टेम्बर 24, 2020 में इंडिया कौन सी कंट्री के साथ मीटिंग करने वाली है सार्क वर्चुअल मीटिंग में, हाँ, देखभाल करने के लिए, ऑब्जर्वर है ना इसलिए, चलिए बताइए, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या फिर श्रीलंका, बताओ भाई फटाफट से, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पर जो है मुलाकात करी है। अच्छा, सार्क का मुझे फुल फॉर्म भी बताओ, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है,
इंद्रपाल का आंसर आ रहा है बी बांग्लादेश। एक्चुअली में बांग्लादेश नहीं है, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड आंसर है इसका थोड़ा सा पाकिस्तान, ठीक है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर एक वर्चुअल मीटिंग होती है सार्क सम्मेलन की, और अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो टेंशन है ना इनके, आपको पता होगा SCO में क्या हुआ जब आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है। फिर ये क्या करते हैं भाई, चलो ठीक है शार्क में यहाँ पर हम बात करेंगे और अपने बीच की जो टेंशन है उनको कम करेंगे, बाकी ये पॉलिटिकली यहाँ पर ये बात की जा रही है, अंदर कुछ और ही होता है, ठीक है। हाँ, श्रीलंका नहीं है इसका, पाकिस्तान है। ऑल राइट, अच्छा सार्क का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, कोऑपरेशन। ऑल राइट, तो ये होता है आपका सार्क का फुल फॉर्म। किसी ने आंसर दिया भाई, ओके नितिन ने आंसर दिया है, वेरी गुड, साउथ एशियन एसोसिएशन। इसके आगे का भी बताना है, ठीक है, तो रीजनल कोऑपरेशन होता है, ये आपका सार्क का फुल फॉर्म हो गया। एंड SCO के बारे में मैंने आपको कल सारी की सारी चीज़ें बताई थी, कब आपका इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, कब सेटअप हुआ, कौन इसके हेड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कल क्लियर करी थी। अगर आपने नहीं देखा एक बार जाकर के देख लेना, है ना, बार बार बताने में क्या ही टाइम वेस्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो ब्रूसेलोस आउटब्रेक जो है वो कौन सी कंट्री में हुआ है, इंडिया, USA, चाइना या फिर रशिया, जो आपका ब्रूसेलोस आउटब्रेक है ना, तो ब्रूसेलोसिस जो आउटब्रेक है ना एक्चुअली में ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है चाइना में, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ ये है क्या, तो ये बेसिकली एक इन्फेक्शन है, ठीक है ना, एक इन्फेक्शन है वहाँ पर, ये फैल गया जब एक बायो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, यानी कि जहाँ पर बायो, अगर मैं बात करूँ वहाँ पर आपसे, तो कहीं ना कहीं ये लोग बायो मेडिसिन वगैरह बनाने पर काम कर रहे थे, और पता नहीं अब खैर क्या ही काम हो रहा है, इन्होंने तो यही बताया है बायो मेडिसिन बनाने पे काम किया जा रहा था, और वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लीक हो जाता है, ठीक है ना, इस लीक की वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसको ना एक नाम से और जानते हैं, इसका एक नाम और ध्यान में रखो, क्या नाम है इसका, माल्टा फीवर के नाम से जानते, हो सकता है क्वेश्चन आपसे माल्टा फीवर से आ जाए कहीं ना कहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री इशूड वर्ल्ड फर्स्ट सोवरेन बॉन्ड, यहाँ पर कौन से कंट्री ने दुनिया का सबसे पहला सोवरेन बॉन्ड जो है इशू किया है। अच्छा, ये सोवरेन बॉन्ड क्या होता है, ये एक्चुअली ना जो SDGs है ना अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको यहाँ पर क्या किया इन्होंने, टारगेट करते हुए अपने कुछ बॉन्ड को यहाँ पर लॉन्च कर दिया, तो जिससे कि होगा क्या, जितने लोग बॉन्ड खरीदेंगे उतना उनको पैसा वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ये किया है मेक्सिको ने, ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है इतनी सी बात, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड इन UN 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स, यहाँ पर किसका नाम आया है UN के 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स में, तो इंद्रपाल का आंसर आ रहा है स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड नहीं था इसका, मेक्सिको हो गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एंड इंद्रपाल का सी आ गया है, वेरी गुड, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदित सिंघल, ठीक है ना, उदित सिंघल का जो नाम है वो आया है UN के 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स में, ठीक है ना। अच्छा, इनका नाम अगर मैं बात करता हूँ क्यों आया है, तो ये आया है अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, ये आपका जो SDG है, इन्हें ये क्या करते हैं, इनका ये प्रमोट करने के लिए इनका नाम आया, ठीक है ना, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको प्रमोट किया हुआ है और ये एक यंग लीडर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, हु इज़ द CEO ऑफ FSSAI, है ना, तो फसाई के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, और यहाँ पर आपको फसाई का फुल फॉर्म भी बताना है, ठीक है, CEO बताइए, फसाई का फुल फॉर्म बताइए, और मुझे आप ये भी बताइए फसाई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो फसाई के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही सी, है ना, और ये आपका फॉर्म कब हुआ, सारी की सारी बातें कर लेते हैं अब, ठीक है ना, फसाई के बारे में चलो शुरू हो जाओ। फसाई आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और फसाई आपका फॉर्म कब हुआ, इसके बाद में फसाई के CEO का नाम तो आपको क्वेश्चन में ही पूछ लिया है ना, ये सारी की सारी बातें बताओ। तो इंद्रपाल, ओके आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं आ रहा है, तो देखो इसके CEO कौन है फसाई के, तो ये हैं अरुण सिंघल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नाउ फसाई का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूँ, तो ये होता है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये हो गया आपका फसाई का फुल फॉर्म। नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पर एक बार कलर को चेंज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करता हूँ, ये आप लोग फटाफट से बताओ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, बताइए जल्दी से फसाई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं,
एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दो। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो फॉर्मेशन हुआ इसका अगस्त 2011 में, ठीक है। और सीईओ मैंने आपको बता दिया, अरुण सिंघल है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट करके मुझे यहाँ पर, इसके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे, फसाई गए। तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। रोम में है क्या? चलिए, इंडिया का है वैसे ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स रोम में कैसे हो सकते हैं? कहीं आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं बता रहे हो? अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल? तो कितने इंडियन बीचेस को यहाँ पर रिकमेंड किया गया है फॉर ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल? अच्छा, यहाँ पर मैंने ये बीचेस वाला क्वेश्चन क्यों लिया है, अगर आपको याद हो तो रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुआ था आपका आरआरबी का, जो जेई वाला एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, आरआरबी जेई हुआ था, उसमें बीचेस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे कि कौन सा बीच कहाँ पर है, ठीक है। तो ये बीच आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, और अगर करंट अफेयर में आपका बीच आ जाता तो वो इंपॉर्टेंट है ही सही, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर नहीं बताऊँगा उसका, आंसर बाकी के लोग भी कमेंट करके बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा उसका आंसर। नितिन का आंसर आ रहा है 5 बीचेस, ठीक है। और लोग बताओ भाई फटाफट से, और शेयर किया करो सेशन को, ठीक है। चलिए खैर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 बीचेस। कितने बीचेस को मिला है? 8 बीचेस को मिला है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कितने, किसने बताया कि भाई ये रिकमेंड हुआ है, तो अपने ये जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, उन्होंने बताया है। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बली दुर्गा प्रसाद राव हु पास्ड रिसेंटली वॉज द लोकसभा MP फ्रॉम विच स्टेट? तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बली दुर्गा प्रसाद राव आपके कौन से स्टेट से लोकसभा MP रह चुके हैं, तो बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ, इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति है वहाँ से ये MP थे। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि हु टुक एडिशनल चार्ज ऑफ FPI मिनिस्ट्री? यहाँ पर जो FPI मिनिस्ट्री है उसका एडिशनल चार्ज किसने संभाल लिया है, है ना, उनका नाम बताना है, और रिसेंटली वो कौन सी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं आपको वो भी बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो भाई, FPI मिनिस्ट्री पता है क्या? FPI जिससे अभी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये FPI आपका फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री होता है, जिससे कि हरसिमरत सिंह कौर बादल ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो इन्होंने जब इस्तीफा दिया है तो किसने इसका एडिशनल चार्ज जो है वो ले लिया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है ना। जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने इसका एडिशनल चार्ज ले लिया है। एंड राइट, अगर मैं बात करूँ इससे पहले इनके पास किसका चार्ज था, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इससे पहले, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जैसे एक इन्होंने, अगर मैं बात करूँ, हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। हाँ, डी करेक्ट आंसर है। जब अब देखो, हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो अब ये जो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है FPI मिनिस्ट्री का, ये कौन से क्लॉज के अंतर्गत दिया गया है, या फिर कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो यहाँ पर अगर आपका हम देखें तो आर्टिकल नंबर 75 जो है उसका क्लॉज नंबर 2। तो आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है कि जब आपका कोई यूनियन मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, तो जो उसका आप क्या करेंगे, इमीडिएटली इफेक्ट के साथ में जो आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें से किसी एक मिनिस्टर को आप वो पोर्टफोलियो दे सकते हो, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, हु हैज़ प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर AICTE विश्व रैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड 2020? तो ये आपका सबसे पहला वाला, ये अभी रिसेंटली ही आपका अवार्ड लॉन्च किया गया है, तो सबसे पहला अवार्ड ये मिला किसको है, ठीक है, बताओ जल्दी से। जो आपका AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर्स अवार्ड है 2020 का, वो यहाँ पर किसने प्रेजेंट किया है, ठीक है ना, और फिर किसको मिला है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। तो फटाफट से बताइए, इंद्रपाल का आंसर आ रहा है रमेश पोखरियाल, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो अपने रमेश पोखरियाल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ HRD तो नहीं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलोगे आप इसे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जिनके पास पोर्टफोलियो है। इनका दूसरा नाम क्या है, इनको ना निशांग के नाम से भी जानते हैं, पता है सभी को, निशांग के नाम से भी जान रहे हैं हम इनको। अरे भाई ये क्या है, वेट अ सेकेंड, ओके चलिए, इनको हम जो है निशांग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ फिर फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु विल वर्चुअली इनॉग्रेट द कोसी रेल मेगा ब्रिज इन बिहार? यहाँ पर आपका ना ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय नेम चेंज, हाँ
हाँ नेम चेंज हो गया है, ये बताइए कोसी रेल मेगा ब्रिज जो है वो आपका ये कहाँ पर है, ये ध्यान रखना कि ये है कहाँ पर, बिहार में है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ इसे इनाग्रेट किसने किया, तो ध्यान में होना चाहिए आपको किसने इनाग्रेट किया, अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, ठीक है, इन्होंने इसको इनाग्रेट किया है। बाकी ये ध्यान में रखना कि आपका कोसी रेल मेगा ब्रिज कहाँ पर है, लोकेशन इसकी ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। हाँ इंद्रपाल का सी आ गया, शाबाश। तो आई थिंक यहाँ पर आपके सारे के सारे आज के क्वेश्चंस जो हैं वो फिनिश हो गए हैं, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। एंड अगर आपको कुछ डाउट होता है तो डाउट आप अपना पूछ सकते हो, अगर कुछ डाउट समस्या परेशानी है रिगार्डिंग आपका कोई भी एग्ज़ाम है या फिर कुछ भी बात, तो वो अब आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम सेशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। ऑल राइट, तो फटाफट से पूछो भाई, अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो पूछो एंड फिर हम ख़त्म करते हैं सेशन को। इसके अलावा सेशन को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, आपके जितने भी ग्रुप्स वगैरह हो सब पे आप शेयर कर सकते हो। ऑल राइट, ओके देन। सिलेक्शन फेज़ 8 के लिए करंट अफेयर, हाँ उसके लिए ना आप एक काम करो, ये आपको बस मार्च तक का ही करंट अफेयर करना है, मार्च 2020 तक का, और मेनली आप ये नवंबर 2019 का उठा लो, ठीक है। किस 2 मंथ के बारे में बताएं सर, करंट अफेयर कितनी आएगी? हाँ करंट अफेयर मैं बता रहा हूँ आपको, ये ना नवंबर 2019 एंड इवन अगर आप करना चाहो तो अगस्त से उठा लो, अगस्त का क्वेश्चन देखने को मिला था क्योंकि, ठीक है ना, अगस्त का अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। पुष्पेश गुड नाइट, अरे आपने एक भी क्वेश्चन के आंसर तो दिए नहीं अभी। चलिए तो फेज 8 के लिए ना इतना करो एंड दैट विल बी इनफ, ठीक है ना। बाकी अब आपका अगर आ जाए तो फिर वो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका अगस्त 2019 से भी देखने को मिला पेपर में आज के, तो कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है ये लोग जुलाई का भी दे दें फिर, ठीक है। बट अपनी तरफ से इतना करके जाओ कि अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक का करके जाओ, इससे ज़्यादा 2020 में ज़्यादा आगे मत बढ़ना मार्च से, ठीक है। हाँ जी क्लियर है, और कुछ डाउट हो तो बताओ और फिर ख़त्म करते हैं सेशन को आज के। ऑल राइट चलिए खैर फिर, ओके देन। NTPC सर GS परेशान करती है, ओके। GS में आप जनरल साइंस बोल रहे हो क्या, या फिर ये पूरा GK का पोर्शन? अब NTPC में GK परेशान नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई, 40 मार्क्स का आपका CBT 1 में आना है। हाँ जी तो बनता है इतना तो, बाकी उनका जो सिलेबस है आप उसको ध्यान से देखो तो GS ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, चीज़ों को ना बहुत ही सिस्टमेटिक वे से रखा करो। आप लोग ना एक तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर देख लेते हो कि अरे भाई इतना सारा है, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है। अच्छा ठीक है, देखो एक्चुअली मैं अगर मैं आपसे बात करूं जीके की, तो जो NTPC का GK है वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप उसे देखोगे ना एक बार उसका जो सिलेबस है, एक काम करो डेली उठ करके सुबह में, डेली उठ करके उसको क्या करो आप सुबह में, आपको डेली उठ के उसका सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। एक काम करो 10 डेज तक आप NTPC का डेली उठ के सुबह सिलेबस पढ़ो, समझे, तब आपको अपने आप चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी, है ना। और हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर ये क्या बात कर रहे हो आपकी, ये तो पुराने जो बूढ़े पुराने लोग बात करते थे वैसी बात कर दी, लेकिन ये ना करेक्ट है। आप एक बार 10 दिन सुबह उठ के करना ये काम, सारी की सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक तो बच्चे सिलेबस नहीं देखते हैं भाई, सिलेबस पता नहीं है, आप लोग टेंशन ज़्यादा ले लेते हो। लोअर PCS मेंस के लिए अपडेट, इसके बारे में तो कोई अपडेट है नहीं अभी फ्रॉम कमीशन, ठीक है। लोअर PCS के मेंस के बारे में कोई अपडेट है ही नहीं अभी, आती है देन मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। ओके ओके, और कुछ बात है तो बताइए, ठीक है। एंड तो फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, सेशन को, और बाकी आप शेयर करते रहा करो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।